बताओ पहले अच्छे से, क्यों क्या बताऊं? जा रहे हो? उसकी बीवी अकेली घर पे रहेगी, इसीलिए वो कह रहा है यार एरिया अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है, तो उसकी अपनी बीवी की सेफ्टी की वजह से। जाऊंगी, मर जाऊंगी, गिर जाऊं, पर जाने नहीं दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज रंजा पर एक जो प्रैंक करने वाले हैं उसका टाइटल अभी से बता देता हूं कि दोस्त की बीवी अकेली है घर पर, तो इसीलिए उसके घर पर जाना है 2 दिन के लिए। और देखो मैं रंजा को फ़ोन करता हूं, पहले से बता देता हूं, फिर घर पर जाके देखते हैं उसके रिएक्शन क्या होते हैं, और अभी बताऊँगा नहीं, देखते हैं। हेलो हेलो रंजा, वो ये कह रहा हूँ मैं शाम को आऊंगा ना तो कहीं जाऊंगा, तो 2-3 दिन के लिए कपड़े पैक करके रख दो, वो जो नया वाला बैग है ना जो, हाँ उसमें। तुम जा कहाँ रहे हो? बताऊंगा घर पे आके बताऊंगा। पहले मुझे बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम यार घर पे आके बता दूंगा ना सब कुछ। सुनो, 2 जीन्स रख देना, 2 टी-शर्ट रख देना और अंडर गारमेंट रख देना 2 दिन के लिए। घर पे आओ ना, तुम रख दो ना, घर पे आके मैं बता दूंगा तुम्हें। हाँ ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो फ्रेंड्स शाम को मिलते हैं घर पे आपसे और देखते हैं रंजा के रिएक्शन क्या होते हैं। Later that same evening. ठीक है, आते कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। बताया तो था, जल्दी पड़ रही है तुमको, क्या बात हो गई यार? पहले बताओ क्या बात है, क्यों जा रही हो? ढंग से बताओ, फोन पर मुझे समझ में नहीं आया, ढंग से बताओ। तो कपड़े क्यों निकाल रही हो? पहले बताओ ना क्यों जा रहे हो, क्या है, क्या बात है, पहले ढंग से बताओ मुझे। तो कपड़े क्या निकालने की जरूरत है? मैंने बताया तो था 2 दिन के लिए मुझे, मैं आगरा में ही तो हूँ, कहीं बाहर थोड़ी ना जा रहा हूँ। आगरा में हो, क्यों जरूरत है, क्यों जा रहे हो, मुझे फिर से बताओ अच्छे से। कपड़े निकाल देती हूँ फालतू में यार, मेरे बताओ। देखो यार सारे अंडर गारमेंट भी रखती है तुमने यार। मैंने हाँ छोड़ो, इन्हें बताओ पहले अच्छे से, क्या बताऊँ, क्यों जा रहे हो? आगरा में ही हूँ, कहीं नहीं आ रहा, एक दोस्त के साथ इमरजेंसी की जरूरत है तो वहां पर रुकना है दोस्त के घर पे बस। क्यों रुकना है दोस्त के घर पे? अब ये भी बताना जरूरी है। हाँ दोस्त के घर पे नहीं रुक सकता मैं। क्यों रुक रही हो उसके घर पे? काम होगा तभी तो रुकूंगा। क्या काम है ये बताओ? कपड़े मत निकालो यार, बात मत रखो ना अभी, पहले मुझे बताओ क्यों जा रहे हो? मेहनत से बार बार कपड़ों को तय कर रहा हूँ और तुम यार रख रही हो यार। छोड़ो ना, मेरी यार मैचिंग बिगड़ जाएगी, जल्दी पड़ रही है। जल्दी की बात नहीं है, बात ये है ना कि यार मुझे अपना ऑफिस भी देखना है प्लस दोस्त के घर को भी देखना है, मुझे वहां पे जाना है। यही तो पूछ रही थी तेरे से कि क्यों जाना है, क्यों जाना है? तो क्यों जाना है कि क्या बात होती है? मेरा दोस्त जा रहा है आउट ऑफ आगरा, ठीक है, और दोस्त के पीछे कोई है नहीं, तो बस उसके घर की देखभाल करनी है बस उसकी। और हमारी देखभाल कौन करेगा घर की? मैं और डुगू अकेले रहेंगी तो? देखो तुम्हारे साथ तो डुगू भी है, और फिर हमारा एरिया ना सेफ है, उसका एरिया थोड़ा ऐसा है कि सेफ नहीं है। अच्छा समझ रही हो, इसीलिए। यार ये क्या बात है यार, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा दोस्त आउट ऑफ आगरा जा रहा है और उसका जो एरिया वो सेफ नहीं है, इसीलिए बस मैं उसके घर पे रहूंगा। तुम ही बच्चे हो और कोई दोस्त नहीं है उसका? अनमैरिड हो, उसको बुला ले या अपनी फैमिली से किसी को बुला ले। अरे उसकी यार उसकी फैमिली में है कौन? वो है, उसकी बीवी है, उसके मम्मी पापा तो अकेले रहते हैं। तो उसकी बीवी अकेली घर पे रहेगी, इसीलिए वो कह रहा है यार उसकी बीवी को डर लगेगा, एरिया अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है, तो उसकी अपनी बीवी की सेफ्टी की वजह से। बीवी घर पे रहेगी तब भी तुम जा रहे हो उसकी बीवी की देखभाल करने के लिए, उसकी बीवी की सेफ्टी के लिए? हाँ इतनी ज्यादा चिंता है उसकी बीवी की सेफ्टी की, तुम्हें ज्यादा चिंता है, और मेरी मेरी चिंता नहीं है, मुझे छोड़ के जा रहे हो? नहीं अरे तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है यार यहाँ पे। अच्छा मुझे कुछ क्यों नहीं हो सकता है? बोल तो रहा हूँ उसका एरिया सेफ नहीं है इसीलिए। मैंने कहा ना नहीं जाओगे ऐसे। अरे ये कौन सी बात होती है, तुम यार बात करती हो यार। अकेले घर में वो औरत और तुम जाके वहां रहोगे, अच्छा लगेगा? कोई क्या कहेगा किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो क्या हो गया पागल, मेरे दोस्त ने ही बोला है मुझसे यार कि तुझसे अच्छा कोई मुझे, तुझसे ज्यादा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है बस। हमारे दोस्त तो पागल है, भरोसा भरोसा दोस्त पे ज्यादा भरोसा है,
हाँ मुझको भरोसा है। क्यों ऐसा क्या कर दिया तुम पर इतना भरोसा है उसको कि अपनी बीवी को भी तुम्हारे उस पर छोड़ के जा रहा है कि हाँ ठीक है तुम रख देखभाल कर लेना। सिर्फ तुम ही ऐसी औरत हो जिसको मुझ पर विश्वास नहीं है। औरत क्या, एक लौता पूरा दुनिया में इंसान ऐसा है तुम जिसको मुझ पर विश्वास नहीं है, नहीं तो और सब लोग तो मुझे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, ठीक है, बीवी से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं कुछ नहीं है यार, तुम्हें शक रहता बस, ठीक है, हस्बैंड जानता कैसा है। हर हस्बैंड हर बीवी को अपने हस्बैंड पर वो मत करो ना। अच्छा चलो ऐसा करो, बड़ा बैग निकाल लो, मैं भी चल रही हूँ, मैं भी अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ पे, वहाँ पे एक ही बेड है, वहाँ पे वहाँ पे क्या करोगी यार तुम? तो तुम क्या एक ही बेड पे साथ में, क्या चल रहा है तेरे मन में बेवकूफ है? एक ही बेड है तो मतलब मैं उसके साथ में ही सोऊंगा मैं? अरे वो सोफे पे सो जाएगी या मैं बेड पे सो जाऊंगा, या वो बेड पे सो जाएगी मैं सोफे पे सो जाऊंगा, मैं नहीं मानता। क्या दिक्कत है, हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, मैं भी चल रही हूँ, मेरे भी कपड़े रख लो। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे बोर हो जाओगी, वो तुम्हारे टाइप की है नहीं, तुमसे बात नहीं करेगी, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा फिर। अरे नहीं वो कर लेंगे मुझसे बात, औरतों की बहुत गप्पे सप्पे होती है, हम अपने घर की बात करेंगे ना, उसको बहुत मजा आएगा बात करने में, ठीक है। छोड़ मैं भी अपने कपड़े निकाल के ला रही हूँ ना। तू क्या करेगी चल के बेफालतू, तो मुझ पर विश्वास नहीं है, और डुगू का ध्यान कौन रखेगा? डुगू भी चलेगा ना हमारे साथ में, हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे उसका। हाँ दावत हो रही है, पूरे घर को न्योता दिया है कि हाँ साहब आ जाओ इधर होटल में स्टे करो, होटल हो रहा है वो। तो तुम जा रही हो तो मैं भी चली जाऊंगी, तो क्या प्रॉब्लम है? तुझे विश्वास नहीं होता एक यार। से भले दो, दो से भले तीन, हम तीनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। बैठ गया, मैं भी अपने कपड़े निकाल रही हूँ, पहले दोस्त से बात कर ले पहले। हेलो हेलो जोगिन। हाँ जी नवीन बोले, क्या हाल चाल? अरे बढ़िया यार, मैं देख तेरे से बोला था ना कि तूने हेल्प जो मांगी थी यार मेरी वाइफ के साथ दो दिन के लिए रुक जाना, अब देख ले तेरी भाभी को शक हो रहा है यार, ये मान नहीं दी थी, मैं तो उससे पहले ही बोला था कि तेरी भाभी मानेगी नहीं, जरा कन्वेंस कर अपनी भाभी को बोल। आप कैसे दोस्त हो भैया, आप इनके भरोसे अपनी वाइफ छोड़ के जा रहे हो? अरे भाभी जी मुझे मतलब बहुत जरूरी काम से जाना है, और लेकिन मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो आप इनसे कह दीजिए कि मैं और डुगू हम भी आ रहे हैं, हम विद फैमिली आ रहे हैं। ये फंस गया, कोई रूम तो एक ही है। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, आपने फ्रेंड से कह दीजिए हम भी आ रहे हैं। जोगेंद्र चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ तुझे, ठीक। बहुत चालू हो बेटा, बहुत चालू हो तुम। किस चीज के लिए चालू, किस चीज के लिए? अकेले जाना चाहते, तुम्हारे इरादे ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये यार तुम मेरे दोस्त को भरोसा है, वो भी अपनी बीवी को मेरे ब्याह पे अकेले छोड़ के जा सकता है, और तुम्हें भरोसा नहीं है? कोई अपनी वाइफ कैसे नहीं छोड़ के जाता दूसरे के भरोसे, ठीक है ना, आज का समय ठीक नहीं है, कोई नहीं छोड़ के जाता इस तरह से। मैं भी चल रही हूँ और डुगू भी चल रहा है, मैं कोई कहीं नहीं जा रहा है, मुझे ऑफिस से उसके घर और उसके घर से अपने ऑफिस जैसे जाना है, और मैं जा रहा हूँ। मैं अभी शाम होने वाली है, रात होने वाली है, वो अकेली हो जाएगी, फिर फोन मैंने कहा तो बोलेगी भैया अभी तक आप आए नहीं। भैया एक साथ भाभी चल रही है, चलो क्या है, मैं अपने कपड़े रख रही हूँ ना, मैं और कपड़े निकाल के रख रही हूँ अपने और डुगू के भी। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार, जल्दी मत मचाओ, अभी और कपड़े रखने हैं, काफी कपड़े रखने हैं, ठीक है, गर्म कपड़े भी रखने हैं अभी डुगू के, संग में चलेंगे। तेरा वहां पे कोई काम नहीं है, ठीक है, तुम्हारा क्या काम है वहां पे? हाँ तुम्हारा क्या काम है? मेरा तो कुछ काम नहीं है, मैं वहां तो वहां पे बैठ के सिर्फ अपने लैपटॉप पे काम करता रहूंगा। ठीक है तो हम भी बैठ के वहां तुमको देखेंगे। मैं सिर्फ वहां पे स्टे करने जा रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि हाँ एक लड़की की वो हो सके रक्षा, एक लड़की अकेली है उस वजह से सिर्फ, अभी तो किसी की हेल्प करने दिया कर। तो सबसे अच्छा ये है ना कि ऐसा करती हूँ मैं चली आती हूँ, तुम यहीं पे रहो, मैं उसकी रक्षा कर लूंगी अच्छे से। तू भी तो यार एक लड़की है यार, तो वो भी एक लड़की है यार, रात में कम से कम एक लड़की पास सेफ्टी के लिए एक दो जेंट्स होना चाहिए ना। नारी शक्ति के बारे में जानते नहीं हो तुम? नारी शक्ति बड़ी नारी शक्ति है, एक लड़की दूसरी लड़की की परेशानी नहीं समझ सकती है। समझ रही हूँ परेशानी, तभी तो कह रही हूँ तुम यहाँ बैठो, मैं चली जाऊंगी, मैं उसका ख्याल रख लूंगी बिल्कुल बढ़िया से, दो दिन चार दिन जब तक उनके हस्बैंड नहीं आएंगे मैं तब तक ख्याल रख लूंगी उनका, ठीक है, तुम डुगू यार और हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चल चल ज्यादा बात मत करना, चल जा यहाँ से, चल 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 बात मत करना, इसका मतलब क्या होता है? तेरा वहां पे कोई काम नहीं है, तू उसका भी जैसा तेरा दिमाग खराब कर रखा ना तूने अपना, तू मेरे दोस्त की बीवी का भी अपना दिमाग खराब कर देगी, उसकी बातें पता नहीं क्या क्या बातें बना देगी। अरे हम इतनी चटपटी बातें करेंगे ना उसको बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथ। चटपटी बातें कहीं नहीं करेगी, तू उसका भी दिमाग खराब कर देगी तू। नहीं 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 दिमाग खराब करूंगी,
एक बार कह रही हूँ, समझ में नहीं आ रही क्या? तुमको ज्यादा ही जल्दी नहीं बचा रहे हो वहां जाने के लिए? क्यों दाने दे हटा, मेरी लाश पे से होके जाना पड़ेगा? तू हर चीज में, मेरे हर काम में रोड़ा है तू। तेरा नाम रंजना नहीं, तेरा नाम रोड़ा होना चाहिए। हाँ ठीक है, रोड़ा रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रास्ते में रोड़ा होता है ना पत्थर। हाँ रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर काम में रोड़ा है तू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा नाम रंजना उर्फ रोड़ा। ओके, मैं बहुत खुश हूँ अपने नाम से, ठीक है, पर मैं जाने नहीं दूंगी। क्यों नहीं आने देगी? क्या दिक्कत क्या हो रही है? मुझे नहीं पसंद है। दिक्कत क्या हो रही है? अकेली औरत के घर में तुम जाकर रुको उसके साथ। अकेली औरत, तुझे क्या क्या दिक्कत है? अकेली औरत नहीं, इधर आ जा, बता ना तू क्या सोच रही है, तेरे मन में क्या खिचड़ी चल रही है? खिचड़ी क्या चलेगी, बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि इस तरह से तुम जाओ रुको। अगर उसका हस्बैंड होता तो बात अलग होती, वो अकेली रेडी है और तुम जा रहे हो उसके साथ रहोगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस तरह से। बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मुझे तुम पर। बिल्कुल विश्वास, मतलब मैं उसके साथ क्या है, मैं मतलब कुछ अफेयर चला लूंगा एक ही रात रात में है? कुत्ते की पूंछ। वैसे तो तू बुड्ढा बुड्ढा कहती रहती है, कभी सीधी हुई है? अच्छा पूंछ सीधी नहीं हुई, क्या फालतू की बात है करती रहती है। तेरा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है तेरा? मैं सिर्फ अपने दो दिन के गॉगल्स लेने की वजह से गया। गॉगल्स लगा के बैठोगे वहां घर में? मैं बदल बदल के गॉगल्स पहन के आता हूँ ना ऑफिस के लिए, तो इसलिए रख के ले आ रहा हूँ, कोई दिक्कत है? है? बता, कपड़े दोबारा रखूं मैं? इसको भी फेंक दूंगा, बता रही टूट जाएगा। बहुत हाइपर हो रहा हूँ, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तेरा तोड़ दो इसी बहाने, तुम घर पे तो रुक जाओगे, मुझे कुछ होगा तो। कितने ढीट हो यार, एक बार तुमको समझ में नहीं आ रहा। तुम देखो ना कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, कभी तो किसी की हेल्प कर लेने दे भाई। हैं? एक अबला नारी बेचारी घर पे रात को अकेली रुकेगी और मैं उसके साथ अगर मैं रुक जाऊंगा तो इसमें तू क्यों शक कर रही है? इस तरह से क्यों अपने मन रुकता होगा, इस तरह से अच्छा लगता है? सब रुक जाते हैं, कोई नहीं रुकता इस तरह से। उसके पति ने ही तो आखिर बोला है ना, है तभी तो रुक रहा हूँ, अपने मन से तो नहीं रुक रहा ना। है उसका पति तो बिल्कुल पागल है, उसका पति बिल्कुल पागल है और क्या? तुम पागल हो जो तुम सब कर रही हो। बिल्कुल भी, ऐसी किसी भी आदमी के भरोसे अपनी बीवी को छोड़ के आ रहा है? चलो उसकी बीवी अच्छी होगी, विश्वास के लायक होगी, पर मैं तो तुम पर विश्वास नहीं करती ना, मैं कैसे जाने दूं तुमको? मैं चलूंगी संग में, रखो मेरे कपड़े। तुम क्या चलोगी, क्या करोगी वहां पे जाके? तुम और कुछ नहीं है तुम, मैं उसके साथ अगर जरा सा भी बात करने बैठ गया ना, तुम वहीं पर मुझसे लड़ने बैठ जाओगी। सही पकड़े हैं। नहीं अरे वो मेरे साथ थोड़ा गेम खेल लेगी, लैपटॉप वगैरह पे थोड़ा मेरे साथ गेम खेल लेती है, इतनी उसकी और मेरी थोड़ी फ्रेंड वाली बॉन्डिंग है, वो बोर हो जाएगी। फ्रेंड वाली बॉन्डिंग कब बनी तुम्हारी उसकी? क्यों मैं उसके घर जाता रहता हूँ, भाभी भाभी बात करता रहता हूँ, तो उसके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। तब तो पक्का नहीं जाने दूंगी, तुम लोग की पहले से बात हो चुकी है ना, मुझे लग रहा है कहीं तुम दोनों का ही तो प्लान नहीं है। पागल है क्या यार, हम दोनों वहां पे बैठ के गेम खेलेंगे और अगर तू गई ना तो 101% वो बोर हो जाएगी, क्योंकि वो खुद कहती है ना लूडो लेके चलते हैं हम तीन, हम एक वो, चारों मिलकर लूडो खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। वो बोर हो जाएगी, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है ऐसे, ठीक है? वो हाई फाई पर मारेंगे कोने में, नजर आओगे ठीक है? चुपचाप से सर ढंग से समझा रहे, समझ में नहीं आ रही तुमको? एक बार में ऐसा है, पहले जब प्लान बनाता ना, सुन लो मेरे दोस्त और उसकी वाइफ का, तभी घर पर ये मैंने बात कही थी, ठीक है मैं अपनी वाइफ को भी ले आऊंगा। मेरे दोस्त और उसकी वाइफ का प्लान बनना था, बात कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि मैं अपनी वाइफ को भी ले आऊंगा, ठीक है? उसने बोला था नहीं भैया, अब भाभी को मत लेके आना, भाभी ज्यादा चकर पकर करती रहती है, मेरे तो कान बेकार हो जाएंगे। अब तो उस लड़की से बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाने दूंगी मैं, ठीक है? मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं चकर पकर करती हूँ? करनी रही हो, कितनी बात करी है उसने मुझसे, क्या जानती है मेरे बारे में? मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला उसने? मैंने बताया था। हाँ तो तुम्ही ने बोला, तुम्ही ने मेरी बुराई की है ना उससे? नहीं जाओगे, बैठो घर में, जाने ही नहीं दूंगी मैं। देखो तुम निकलो गेट से बाहर, निकलो, कदम रखो।
ये कर क्या रही है तू बार बार, ये बता है? दिखाई नहीं दे रहा, कपड़े फेंक रही हूँ निकाल तो के। कपड़े निकाल के यो नहीं रख सकती है, फैला फैला के इधर उधर फेंक रही है। हाँ तो फेंकूंगी तभी तो, फिर फोल्ड करो उसे, तभी तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। वाह दीदी वाह दीदी, मैं जाने ही नहीं दूंगी, जाओ कैसे जाओगे? तेरे तेरी तरह मेरे सारे आयरन किए हुए कपड़े सारे बेकार कर दिए सारे। पागल आदमी, फिर से फोल्ड कर लिए कपड़े, पता है जाने नहीं देगी, फिर भी फालतू की मेहनत करे। जाने नहीं देगी, कैसे नहीं जाने देगी, पागल हो रही है। जाके दिखाओ। 100% जाऊंगा मैं, 100% जाऊंगा मैं, जाने नहीं दूंगी तुम्हें, जाओ। अपने दोस्त को मैंने वादा किया है, तेरी बात को कुछ नहीं होने दूंगा। हुआ वो हो गया, पता नहीं कौन, नहीं जो उसको वादा किया है। उसकी वाइफ भी बोल रही थी भैया आना जरूर, जा रहा हूँ देख ले, भैया बोलती है, भैया बोलती है मुंह पे भैया, और पता नहीं दिल में क्या होगा उसके। चलो उठो, कह दिया ना नहीं जाने दूंगी, तुमसे ना हो पाएगा, नहीं जाने दूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मोटा मम्मी कुत्ता कहेगा, जाने नहीं दूंगी मैं, जाओ तुम जाओ, तो मैं जाने ही नहीं दूंगी, लेट जाऊंगी मर जाऊंगी गिर जाऊंगी, पर जाने नहीं दूंगी, खत्म, चला जा, जाने ही नहीं दूंगी, जाओ जाओ, नहीं जाने देगी, लेट जाएगी बिछ जाएगी मर जाएगी पर जाने नहीं देगी। है कुंडी तो खुली गई, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया कमीना आदमी। अरे आजा खोल दे गेट, नहीं खोलूंगी मैं, अरे नहीं जा रहा कहीं भी, देख ले कपड़े निकाल दी, अरे आजा प्रैंक कर रहा हूँ देख ले आजा, झूठ बोल रहे हो पक्का? अबे यार मजाक कर रहा था, आजा पक्का? मजाक कर रहा था, कहीं नहीं जा रहा, देख ले निकाल दी बस, रख दे कपड़े, मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहा था, सच में नहीं जा रहे ना? इतनी खुशी नहीं जा रहे? नहीं नहीं यार, तो इतना इसी तरह से क्यों परेशान कर रहे थे मुझे? अरे प्रैंक कर रहा था, बेवकूफ बेवकूफ मैं बेवकूफ तुम हो जो सक्के मारे नहीं करती, अगर रियल में कभी ऐसी बात हो तो तुम जाने नहीं दोगी? नहीं जाने दूंगी मैं, तो पता तो पड़ जाएगा, कोई दोस्त मुझसे बोलेगा तो उसको पहले से मना कर दूंगा ना। हाँ ठीक है, मना पता तो पड़ेगी ना, टेस्टिंग होगी ना, तो मैं चलूंगी ना साथ में, अगर ऐसी कोई बात होगी तो। हाँ तो मैं ले चलूंगा उसमें क्या। हाँ ठीक है फिर। अरे तुम भले ही मेरे साथ में हो पर जो दोस्त की बीवी है यानी भाभी, उसके दर्शन तो करता रहूंगा ना, चाहे भले ही तुम सामने हो, उसके दर्शन तो करता रहूंगा ना। आदमी की फितरत कभी नहीं बदलेगी, जब वो रात में सोएगी नाइटी में उसके दर्शन तो करता ही होगा तुम्हारे सामने। प्रैंक कर रहे हो ना, शर्म कर लो, अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने वीडियो देख लिया तो ऐसे भी तुम्हें नहीं बुलाएगा कोई। तो मैं चिढ़ा रहा हूँ सबको, पता है मेरे फ्रेंड्स जो व्यूअर्स है वो भी देख रहे होंगे कि इसको चिढ़ा रहा हूँ। अच्छा इतना कभी कभार मुंह पे आ जाती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा अच्छा कमेंट करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। फोन लगाते हैं।